यूपी की बड़ी सियासी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की हैं। तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया गया। हालांकि पहली बार जब ऑफर दिया गया था तब 11 सीटों का ऑफर दिया गया था, जिससे कांग्रेस खुश नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने यह दूसरा ऑफर कांग्रेस पार्टी को दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम कांग्रेस को 17 सीट देने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर क्या जवाब आता है। बहरहाल जो ऑफिशियल ऑफर दिया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको एक लेटर लिखा गया है। उस लेटर में साफ तौर से लिखा गया है कि जो गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट ऑफर कर रही है। पहले 11 सीट का मामला ये सामने आया था, जिसमें साफ मना कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कांग्रेस 20 से 22 सीटों की मांग कर रही है, 17 सीट अभी कांग्रेस को ऑफर की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी से होकर अलग अलग शहरों से, अलग अलग विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजर रही है, अखिलेश यादव से जब सवाल भी किया गया कि आप न्याय यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे।